प्रिय छात्रों, निज भाषा की कविता को आपने ध्यानपूर्वक सुना। अब उन दोहों का मैं एक सरल अर्थ आपके सामने पेश करता हूँ, आपको बताने की कोशिश करता हूँ और आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। अपनी भाषा की उन्नति का एक अलग ही लाभ होता है। हमें प्यारे छात्रों, हमें अपनी भाषा में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। उसका जो लाभ होता है वो सभी को होता है। अगले दोहों में कविराज हमसे ये कहना चाहते हैं कि अगर हम अपनी भाषा में कोई बात किसी व्यक्ति को समझाएं तो वो आसानी से समझ सकता है, और अगर हम विदेशी भाषा को लेकर उसमें किसी व्यक्ति से बातचीत करें तो वो ठीक ढंग से नहीं समझ पाता। इसके लिए हमें ज्ञान की बातें सीखनी चाहिए, अपनी भाषा में सीखनी चाहिए और उसकी उन्नति के लिए उसका प्रचार करना चाहिए। एक दोहे के लेकर कभी फिर हमको आगे ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ज्ञान जो है वो दूसरों की भाषा से सीखकर हमें अपनी भाषा में उसका प्रचार करना चाहिए, ताकि अपनी भाषा में उसकी उन्नति हो और सबको अपनी बात समझ में आ जाए। दूसरी बात आगे चलकर वो कहते हैं कि सीखने की कोई सीमा नहीं होती, हर व्यक्ति को अपनी भाषा में सीखना चाहिए और उसका प्रचार भी करना चाहिए। आखिरी छंद में, आखिरी दोहों में कवि जो है ये बात स्पष्ट कर रहे हैं कि हमारा भारत जो है, यहाँ पर अनेक धर्म हैं, अनेक जाति हैं, अनेक प्रांत हैं, इसलिए यहाँ पर झगड़े हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, और जहाँ पर मोहब्बत होती है वहीं पर नफरतें भी होती हैं, झगड़े भी होते हैं, फसादात भी होते हैं। इसलिए यहाँ अलग अलग धर्म होने के साथ साथ यहाँ की बोली और यहाँ की भाषाएं भी अलग अलग हैं। इसलिए प्राचीन काल के दोहों को लेकर प्रिय छात्रों ये आपके सामने स्पष्ट किया गया है। आप इसको आपने ध्यानपूर्वक सुना, बहुत अच्छी बात है।